सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन प्रेडेटर्स, कि कैसे हम ऑनलाइन प्रेडेटर से बच सकते हैं, ऑनलाइन प्रेडेटर क्या होते हैं, कैसे हमें इफेक्ट करते हैं, ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो इस बार हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे प्रोटेक्शन की। कीप द साइंस ऑफ प्रेडेटर बिहेवियर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि उनका बिहेवियर किस तरह का है, जैसे कि वो क्या करते हैं, आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी अगर आपसे पर्सन फेसबुक यूट्यूब कहीं पर भी किसी वेबसाइट पे अगर फ्रेंडली बिहेवियर शो करता है तो आप एक बार उससे सावधान हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, बी कॉशियस ऑफ ऑफर्स फ्रॉम स्ट्रेंजर ऑनलाइन। देखिए ये क्या होता है, काफ़ी टाइम आपको ऑनलाइन कुछ लोग मिलेंगे जो आपको नई नई स्कीम बताएंगे कि आप इस तरह करें उस तरह करें तो आपको कुछ इनाम मिलेगा या गिफ्ट मिलेगा, इस तरह के पर्सन से आपको बच के रहना है। जैसे अभी काफ़ी टाइम से चला हुआ है कि लोग ऑनलाइन मोबाइल वगैरह बेच रहे हैं, पर वो फर्जी वेबसाइट है, जो फेक वेबसाइट है उससे लिंक आपको भेजेंगे और बोलेंगे कि आप हमारे फ्रेंड हो इसलिए मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ और आपको फ़ोन सस्ता मिल जाएगा। तो इससे आप क्या है, फेक वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करेंगे और आपको लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एजुकेट योर फैमिली ऑन ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स। आप क्या करें, अपने मम्मी पापा को, इन सबको जो थोड़े कम ट्रेंड हैं इंटरनेट के लिए, उनको जागरूक करें, उनको बताएं कि आपको कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है जो कोई भी अननोन बिहेवियर अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो इसको ही क्या हम क्या कहेंगे, एजुकेट योर फैमिली, कि आप उनको थोड़ी सी सीख दें, थोड़ी ट्रेनिंग दें कि इंटरनेट किस तरह से ना चलाना है, अपना पासवर्ड, अपना यूज़र नेम या फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट है, गाइड चिल्ड्रन व्हेन दे विजिट वेबसाइट्स। तो आप अपने बच्चों को समझाएं कि आपको किस तरह की वेबसाइट्स चलानी है, किस तरह की वेबसाइट्स नहीं चलानी है, और आप एज अ पेरेंट्स उनको अच्छी तरह इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उनको पहले ही बता दें कि इस तरह का कंटेंट, गूगल के अंदर भी काफ़ी सेटिंग्स होती हैं जिनके अंदर आप पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं कि जिससे आपके बच्चों के तक कोई भी गलत कंटेंट या फिर कोई भी गलत सर्च आपके बच्चों तक नहीं पहुंचे। तो ये पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सेटिंग्स में जाएं गूगल की, वहाँ पे आपको सेफ सर्च करके सेटिंग्स मिल जाएंगी, उसको ऑन रखें, ठीक। नेक्स्ट है, नो द साइट्स विजिटेड बाय योर चिल्ड्रन, कि आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे किस तरह की वेबसाइट्स चला रहे हैं। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, आप ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करें या फिर काफ़ी स्पाई सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनकी हेल्प से आप ध्यान रख सकते हैं कि आपके बच्चे किस तरह की वेबसाइट्स चला रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की कुछ कार्रवाई करते हैं तो बच्चों के अंदर एक डर भी रहेगा और दूसरा क्या है, वो गलत संगति में भी पढ़ने से रहेंगे। ऐसी अभी आपने खबर सुनी होगी कि कुछ इंस्टाग्राम पे भी अभी चला था कि काफ़ी बच्चे, छोटी क्लासेस के बच्चे, 9th 10th के ही इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रुप बनाकर काफ़ी गलत बातें लिख रहे थे, अब उनके खिलाफ केस भी हुआ है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, ब्लॉक एक्सेस टू इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट्स। आप क्या करें, आप जो भी वेबसाइट्स हैं जो इनअप्रोप्रिएट है, जो चलाने लायक नहीं है बच्चों के लिए, अडल्ट वेबसाइट्स, उनको आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। इनको ब्लॉक किस तरह किया जा सकता है, इसके लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनसे कि इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे नेट के ऊपर। नेक्स्ट है, मोनिटर चैट एक्टिविटीज़, कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें कि आपके बच्चे किस तरह की चैट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फेसबुक पे, क्या वो उसके अंदर कोई फ्लैग्ड कंटेंट तो नहीं डाल रहे या फिर कोई अफवाह को फॉरवर्ड तो नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो यही थी हमारी आज की टॉपिक, गाइडलाइंस टू प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन प्रेडेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।